दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक्निक सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और ये वीडियो मुझे कल बना देना चाहिए था इन्फिनिक्स का, लेकिन नहीं बना पाया क्योंकि दो वीडियोस ऑलरेडी हो चुके थे और पता चला कि इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन आ रहा है, नोट 7 जिसकी बात कर रहे थे वो, और पोको का एक और स्मार्टफोन अगले 6-7 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा इंडिया में देखने को मिल जाएगा, उसके बारे में बताऊंगा कौन सा फोन है। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं कौन से दो स्मार्टफोन आने वाले हैं। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना कि नहीं पसंद आया। दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, चैट करना है मुझसे, तो कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हो आके इंस्टाग्राम पे, मैं सबको आंसर्स देता हूँ, सबसे बातें करता हूँ। अगर आपको बात करना है तो इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं। सबसे पहले किसकी बात करें, इन्फिनिक्स की या पोको की? पोको पहले आने वाला है तो पोको की बात कर लेते हैं। पोको M2 Pro याद है, उसका छोटा वर्जन पोको M2 8th of September को लॉन्च होने वाला है और ये फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव होने वाला है। इसके टीजर लैंडिंग पेज आ गए हैं, फ्लिपकार्ट पे जाके देख सकते हैं आप, इसमें पता चल रहा है 8th of September को आने वाला है। और ये मुझे लग रहा है कि अंडर 10,000 कोई स्मार्टफोन होने वाला है पोको की तरफ से। अभी ज्यादा कुछ बताया नहीं है लेकिन कुछ चीजें टीज करना चालू किया है, जैसे स्पेसिफिकेशन आएगा वो भी बता दूंगा, लेकिन जिस हिसाब से दिखा रहे हैं मुझे लग रहा है कि अंडर 10,000 होने वाला है। बड़ी बैटरी बताई गई है, बड़ा डिस्प्ले बताया गया है, वो भी वाटर टॉप नॉच के साथ, अच्छा कैमरा बताया गया है, सारी चीजें। अब देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन होगा। पोको M2 नाम है, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकेशन क्या होंगे ये अभी तक पता नहीं चले। कल से धीरे धीरे वो लोग ओपन करना स्टार्ट करेंगे फ्लिपकार्ट के ऊपर। मैंने पहले भी फेसबुक कहा था क्या? नहीं याद है मुझे। चलिए कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं। 8th ऑफ सितंबर आपको देखने को मिल जाएगा, अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है। आई विश कोई रीब्रांडेड ना लेकर आए, कोई अच्छा स्मार्टफोन लेकर आए, देखेंगे जो होगा वैसे बता दूंगा। वेट कर लेते हैं 8th ऑफ सितंबर का, तो वैसे ही पता चल जाएगा। अब आते हैं दूसरे स्मार्टफोन पे, इन्फिनिक्स नोट 7 की बात करते हैं, जो कि बहुत पहले से लोग वेट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये 5 अप्रैल में लॉन्च हुआ था कहीं पर, उसके बाद से लोग वेट कर रहे हैं अभी तक और करते ही जा रहे हैं। बाकी सारी कंट्रीज में लॉन्च हो गया बट इंडिया में ऐसा लगा था कि शायद नहीं आएगा। पहले लोगों ने कहा कि जुलाई में आएगा, नहीं आया, अगस्त में आएगा, नहीं आया, सितंबर में आ रहे हैं, ठीक है। 16th ऑफ सितंबर को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। इसका टीजर जो है, इसका जो यूट्यूब वाला वेबसाइट है उसके ऊपर, यूट्यूब का जो चैनल है उसके ऊपर बहुत पहले डाल दिया था हम लोगों ने कल, एंड ट्विटर पे भी डाल दिया था, ट्वीट कर दिया था कल ही। कल मुझे पता चल गया था, किसी ने बताया था मुझे, किसी फॉलोअर ने, तो कल क्या था मेरे 2 वीडियोस ऑलरेडी बन चुके थे तो तीसरे के लिए थोड़ा मैं बाहर था, इसलिए मैं एडिट करके खाली डाल रहा था तो कल कर नहीं पाया। अभी देख लीजिए आ रहा है, लेकिन एक चीज बताऊं ना, स्पेसिफिकेशन की बात मालूम है ना, इसमें 6.95 इंच का बड़ा डिस्प्ले आने वाला है HD+ का, पंच होल नॉच के साथ, देन G70 का चिपसेट होगा, अच्छी चीज है। इसमें 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा होने वाला है, 48+2+2+2 का। अब 2 समझ में आते हैं, एक मैक्रो, एक डेप्थ होगा, तीसरा वाला 2 जो है डेडिकेटेड वीडियो कैमरा होने वाला है। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होगा, 5000mAh की बैटरी, 18 वाट का चार्जर है, डेडिकेटेड स्लॉट है, सारे सेंसर्स मिल जाएंगे, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा। तो अगर आप ओवरऑल कंपेयर करते हो ना, तो ये नार्जो 10 जो आया है ना वही स्मार्टफोन की तरह है, सिर्फ चिपसेट थोड़ा सा कम कर दिया है एंड डिस्प्ले थोड़ा सा बढ़ा दिया है, मतलब एक चीज कम की एक चीज बढ़ा दिया, बाकी एक तो छोटे मोटे चेंजेस हैं कैमरा वैमरा छोड़ के, बाकी ऑलमोस्ट वही स्मार्टफोन है। तो मेरे हिसाब से अगर प्राइस आता है तो 4GB 64GB अगर लेकर आते हैं तो 11,000 में होना चाहिए, 4GB 128GB लेके आते हैं तो 12,000 होना चाहिए, और उससे बड़ा अगर 6GB वाला लेके आते हैं तो 13,000 के आसपास प्राइस होगा। Redmi Note 9 को छोड़ के बाकी और कोई स्मार्टफोन इसके कंपटीशन में रहेगा नहीं, क्योंकि नार्जो के बराबर ही है, एक चीज बड़ी एक चीज छोटी है, थोड़ी मोड़ी ऊपर नीचे सारी चीजें हैं अगर आप देखो तो। वेट कर लेते हैं, देखते हैं कितने प्राइस में आता है। मेरे हिसाब से 11,000-12,000 के प्राइस में लेके आते हैं तो बहुत तगड़ा कंपटीशन देगा ये बाकी सारे स्मार्टफोन को, एंड बहुत सारे लोग वेट भी कर रहे हैं इसका, देखते हैं जैसे आएगा वैसे इसके बारे में बता दूंगा। प्राइसिंग मैं सोच रहा हूँ कि अगर अच्छी रखता है इन्फिनिक्स तो अच्छी तरह ये कम्पीट कर पाएगा मार्केट में, एंड इसके बाद तो 08 भी आने वाला है अक्टूबर में कह रहे हैं, देखेंगे उसके बारे में जैसे आएगा वैसे बता दूंगा। लेकिन ये 2 स्मार्टफोन आपको इंडिया में देखने को अगले 16-15 डेज में मिल जाएंगे। 8th ऑफ सितंबर को पोको M2 आ रहा है एंड 16th ऑफ सितंबर को आपको मिलेगा देखने के लिए इन्फिनिक्स, मैं नार्जो 10 बोलने जा रहा था एक्चुअली, नहीं इन्फिनिक्स नोट 7। किसका वेट कर रहा हूँ इसमें से जरूर बताना, कैसा लगा वीडियो वो भी बता देना, पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, और मुझे पता था ना क्यों नहीं पसंद आया भाई नीचे लिख के, क्या प्रॉब्लम हुई क्यों नहीं पसंद है आपको। चलिए और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, और हाँ इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, इंस्टाग्राम पे अगर मुझे फॉलो करते हो, करना चाहते हो कर सकते हो, और अच्छी बात है वहां पे चैट करना है आप चैट कर सकते हो, मैं बात
जवाब देता हूँ, चैट करते हैं, लोग आते हैं, आपको भी अगर चैट करना है मुझसे तो इंस्टाग्राम पे आ जाइए, वहाँ पे मिलकर चैट करते हैं, जो कुछ बातें हैं, कुछ करनी है, कुछ पूछना है पूछ लीजिए, सारी बातें बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नया करने के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।